जयपुर से बाहर से आए हैं वो कितने हाथ उठा दो। अच्छा ठीक है, जिन्होंने भर्ती कर ली है चाहे बाहर के हो चाहे जयपुर के अंदर के हो वो हाथ उठा दो। जो सिर्फ जयपुर के हैं और भर्ती कर चुके हैं वो हाथ उठा दो। जिन्होंने भर्ती कर ली है अथवा जिन्होंने भर्ती नहीं की है, कोर्स तो सभी का पक्का हो गया। कोर्स पक्का हुआ माना कोर्स तो है, कि अंत तक हम बाबा का सहयोग करेंगे। और वो कोर्स हमेशा पक्का बना रहे उसके लिए ये बात जरूरी होती है कि किसी बात में संशय नहीं रहना चाहिए। खास करके एक बाप के पार्ट में संशय, ड्रामा में संशय और ब्राह्मण परिवार में संशय, उठना नहीं चाहिए। ब्राह्मण परिवार कैसे परखेंगे कि ये ब्राह्मण परिवार का है अथवा ये ब्राह्मण परिवार का नहीं है? ब्रह्मा मुखवंशावली है तो ब्राह्मण परिवार का है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात माना मुरली की बात मानता है तो ब्राह्मण है, मुरली की बात नहीं मानता है तो ब्राह्मण नहीं। बाप का कनेक्शन है तो ब्राह्मण है और बाप से कनेक्शन नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। कैसे पता चलेगा बाप से कनेक्शन है? हैं? अभी तो इंडिया की बात नहीं, आज तो सारे विश्व में ब्राह्मण फैले हुए हैं, हमें क्या मालूम किसका कनेक्शन है या किसका कनेक्शन नहीं है। फिर भी सब गीता का प्रश्न है, गीता का पति कौन इसे मालूम पड़ जाएगा। बच्ची किया हुआ है तो बाप का बच्चा है, क्योंकि बच्ची मधुबन में ही होती है और कहीं भी बच्ची होती नहीं। लौकिक दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो पहले पुराना शरीर छोड़ना पड़ता है तब बच्चा पैदा होता है, नई जगह जाके नए बाप के घर में, या बिना शरीर छोड़े पैदा हो जाता है? पहले पुराना शरीर पुराना घर छोड़ना पड़े, छोड़ने का मतलब है
वहां से अनित्य बुद्धि माना मृत्यु हो गई। पुराने घर परिवार से तो यहां भी जो आते हैं उनकी बेसिक नॉलेज से मृत्यु नहीं होती, लेकिन बेसिक परिवार से मृत्यु हो जाती। पुराने ब्राह्मण परिवार से मृत्यु हो करके कहां पैदा हो जाते हैं, नए ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लेते। तो नए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे तो घर बदल जाएगा या वही घर रहेगा? घर भी बदल जाता है, परिवार भी बदल जाता है, माता पिता भी बदल जाते हैं। तो बाप के ऊपर निश्चय हुआ माना बाप का बच्चा बन गया। इसलिए भट्टी का महत्व बताया मुरली में कि 7 दिन की भट्टी जरूर करना चाहिए। 7 दिन की जो भट्टी है वो ऐसे है जैसे बच्चा 9 महीने पेट में पकता है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। बाहर दुनिया वालों को फोन करता है क्या? फोन थोड़े करेगा, ना फोन करता है ना बात करता है। हाँ मन बुद्धि जा सकती है, फिर भी कंट्रोल करना है कि 7 दिन की जो भट्टी होती है और 1 दिन जाना और 1 दिन वापस आना, ये 9 दिन में हमारी बुद्धि ज्ञान की बातों के बाहर न जाने पाए, नई दुनिया सड़क के प्लानिंग से बाहर न जाए। ब्राह्मण परिवार के बाहर न जाए। जाने के दिन भी ज्ञान की बात और भट्टी करने के बाद जब लौटते हैं एक दिन तो भी ज्ञान का लेन देन है। जो नहीं भट्टी करके आए और बस आगरा और दिल्ली घूमने चले गए, अगर घूमने चले गए तो समझो फाउंडेशन खराब हो गया 84 जन्मों, इसमें कुछ कमी आ जाएगी। तो नित्य बुद्धि बनना है, हमें नया ब्राह्मण परिवार मिला, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय बुद्धि। हमें बाप मिला, बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि। और जो भी ज्ञान मिला उस ज्ञान के ऊपर निश्चय बुद्धि। अगर निश्चय बुद्धि रहेंगे तो विजय हमारी जरूर। और निश्चय बुद्धि होने के लिए जरूरी है कि कोई भी अनिश्चय की बातें अंदर आती हैं तो उन बातों का बड़ी बहनों से बड़े बड़े भाइयों से और उनसे भी संतुष्टि ना हो तो बाबा से क्लैरिफिकेशन जरूर ले लेना चाहिए। ब्राह्मण परिवार में या बाप के सामने कोई थोड़ा सा भी अनिश्चय की बात अगर बुद्धि में बनी रही तो बाहर की दुनिया में जाकर के वो बहुत चौड़ी हो जाएगी और हमको निश्चय से अनिश्चय मिलेगा। इसलिए डायरी में नोट करना चाहिए रोज कि कौन सा अनिश्चय वाली बात हमारी बुद्धि के अंदर आई। मौका मिलते ही पूछना चाहिए। चाय बाबा निकल गया।
क्लास ट्रांसफर हुआ है ब्राह्मण को यार कोई सजा देगा या पूरी दुनिया को देगा? नई दुनिया बनेगी तो ब्राह्मण परिवार के बच्चों से बनेगी या दुनिया वालों से बनेगी? ब्राह्मण परिवार के बच्चों से बनेगी तो ब्राह्मण परिवार के बच्चे जो हैं वो नई दुनिया बनाने वाले हैं। अगर वो ही बिगड़े हुए होंगे तो दुनिया कौन सी बनेगी? है उन्होंने जो बिगड़ेल बच्चे हैं उन्होंने वहां भी दुनिया को बिगाड़ा था। कहां? द्वापर युग से। तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? वहां भी बिगाड़ा और यहां भी बिगाड़ते हैं तो बाहर वालों को सजा मिलनी चाहिए पहले? या ब्राह्मण बनने का जो ढकोसला कर रहे हैं उनको पहले सजा मिलनी चाहिए? बाबा शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती है, लेकिन ये जिन्होंने रामायण और ये लिखी है इनको 2500 वर्ष पहले का कैसे याद रहा जब उन्होंने अपनी अपनी राम कहानी लिखी? उनको एक्यूरेट याद रहा क्या? फिर भी जो कुछ भी लिखा है वो तो जो विशेष विशेष आत्माएं हैं, जैसे राम वाली आत्मा ने रामायण लिखी, कृष्ण वाली आत्मा ने सूर्य सागर लिखा, तो ऐसे जो विशेष विशेष आत्माएं हैं उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। सबने थोड़ी लिखे, उन विशेष आत्माओं में तो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है और सुप्रीम सोल प्रवेश करके उनकी बुद्धि के संग के रंग से उन आत्माओं में विशेष पावर भर जाती है। उनकी तो बात ही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मा है। 2500 वर्ष बाद नहीं, 5000 साल पहले परमात्मा ने उनमें जो ताकत भरी है वो 2500 साल के बाद भी उनमें वो कायम रहती है। और जो है वो मिक्सरटी करते हैं कि रामकृष्ण वाली आत्मा मिक्सरटी करती है, हैं? और मिक्सरटी करते हैं। कम जन्म लेने वाली आत्माएं मरमदान में रहती है। मरमदानी तो जितने जन्म जितने कम जन्म वो ऊपर रहेंगे, जितने टाइम आ रहे थे वो दुखी रहती है, सुखी रहती है। आत्मा बिना शरीर के सुख और दुख भोगती है? शरीर होगा तो सुख भोगेगी, दुख भोगेगी। वहाँ आत्मा को शरीर ही नहीं तो सुख और दुख दोनों की बात ही नहीं। काम आत्मा शांत रहती है, संस्कार भरे रहते हैं। जब टाइम आएगा जैसे रिकॉर्ड होता है, ग्रामोफोन होता था ना पहले, वो ग्रामोफोन तो उस पर सुई रखी जाती थी, तो जब सुई घूमते घूमते उस टाइम पर आती है, उस स्थान पर आती है, तो अपना वही रिकॉर्ड बचता है। ऐसे ये आत्मा रूपी सुई है, 5000 वर्ष के टाइम का जहां जहां जैसा पहुंचती है वहां वहां वैसा अपना पार्ट बजाती। बाबा भी माउंट आबू गए तो वहाँ एक अग्नेश्वर महादेव है, दो शिवलिंग है, एक काला और एक गोरा, एक ही जगह है, दोनों शिवलिंग के उनकी जगह भी मिली हुई है, तो ये क्या अभी अपना दोनों शिवलिंग की जलाधरी मिली हुई है, वो तो एक जगदम्बा ही है, जगदम्बा ब्रह्मा से भी मिली हुई है और जगदम्बा प्रजापिता से भी मिली हुई। कैसे कहते हैं कि ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है, वहां से पूछने के बाद वो तो कहते हैं 5000 साल पुरानी कोई चीज होती नहीं, जो भी चीजें हैं वो सब 2500 साल के अंदर अंदर की है। 5000 साल पहले तो विनाश हो गया था,
भारी विनाश हो गया दुनिया का। आज से 2500 साल पहले दुनिया का आधा विनाश हुआ था। उस समय से ये दूसरे दूसरे देश अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका चीन वगैरह थे ही नहीं, सिर्फ भारत में ही आज विनाश हुआ था। एक गुफा बताई जिसमें 5 पांडव है, बड़ा छोटा है ऐसे नंबर वाला। कौन तो आज जहाँ जहाँ पांडव किसी को दिखाए गुफा में बाबा, वर्तमान में जितने भी तथा कथित गुरु हैं, हाँ जी, जो अलग अलग मंडप बना के हर साल इस तरह के कार्यक्रम किया करते हैं, हाँ, और उन सब लोगों की बात में यही कहना होता है उनका, आप सच्चे गुरु को पहचानिए। जब तक आप सच्चे गुरु को नहीं पहचानेंगे तब तक आपकी प्रगति नहीं होगी। माने अंदर में उनको खाता है ना, हर आदमी कहता है कि आप सच्चे उनको अंदर में खाता है कि हम सच्चे नहीं है, सच्चा कोई है। और अब ऐसी स्थिति मुझे निकल पड़ता है कि एक आदमी जहाँ उलझ जाता है वो खूब मंडूक वाली स्थिति बन जाए कि अगर वो नहीं परखेगा अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग जितने भी मत मतांतर हैं, तब तक आदमी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेगा कि सही स्थिति कहाँ है। नहीं, बीसियों जगह भटकने की बात तो अलग, हाँ, लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि भगवान बाप आया हुआ है। और जगह ये नहीं कहते कि एक भगवान सच्चा और वो ही आया हुआ है, वो ही हमको पढ़ा रहा है। तो यहाँ तो पढ़ना चाहिए ना अच्छी तरह। परख करके फिर पक्का निश्चय करना चाहिए कि भगवान बाप आया हुआ है या नहीं आया हुआ। और वहां तो परखने की बात ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अज्ञान फैला रखा है, परमात्मा सर्वव्यापी है। गुरु मंत्र देख के अपने शिष्य बनाए, वहां तो सर्वव्यापी हो गया, तो परखने की बात ही खत्म हो गई। और यहाँ तो है बेसिक नॉलेज में भी कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कहते हैं मुख से सर्वव्यापी नहीं है। फिर उनसे पूछा जाए एक व्यापी कहाँ है तो बताओ, तो बिल्कुल नहीं बता देंगे। और बता देंगे तुम शंकर पार्टी के बाबू अरे भगवान आएगा तो ज्ञान के सारी बातों का समाधान करेगा या भगाएगा? हर बात का समाधान करेगा। मन बुद्धि को क्लियर न करे तो भगवान का ज्ञान क्या होगा? और जो भी गुरु होते हैं वो कभी भी अपनी सभा में कोई को प्रश्न करने की इजाजत नहीं दे सकते, देंगे, क्योंकि जानते हैं पता नहीं किसने क्या प्रश्न कर दिया और हमने जवाब नहीं दे पाया तो बजीता हो जाएगा, सारा सेवो हम पना निकल जाएगा। कि भक्ति मार्ग के अंदर ये ऋषिकेश और अमरनाथ और रामेश्वरम वगैरह जो जाते हैं, ये समय की बर्बादी है और अपनी शक्ति का अपव्यय है। मैं ये चाहूंगा कि वैसे ही घूमने की दृष्टि से अगर कोई आदमी बद्रीनाथ और केदारनाथ वगैरह जाता है तो क्या उचित नहीं है? बिना लक्ष्य के अगर कोई जाता है, लक्ष्यहीन होकर के, लक्ष्यहीन होकर के कोई काम किया जाता है जिसका कोई लक्ष्य नहीं, एम ऑब्जेक्ट नहीं, तो क्या वो मूर्खता नहीं है? घूमने के लिए वैसे ही आप टाइम मनी एनर्जी नहीं है। अरे इतना जो तुमने खर्च किया वो किसी गरीब गुरु को खर्च कर दो, उसकी सोचना चाहिए कि हमको तो मजा आ रहा है और उड़ीसा में ढेर भूख मर रहे हैं। हमको तो मजा आया, लेकिन ये भी तो हम जानते हैं कि भूख मर रहे हैं ढेर सारे, बहुत गरीब है जिनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है जिंदगी जीने का। दृष्टि हाँ
इसलिए बाबा ने बोला घूमना फिरना भूतों का काम है। भूत प्रेत जो है वो दुख सुख नहीं देखते किसी का। भूले हो जाती है उनको कुछ मिलेगा नहीं। पढ़ी लिखी माताएं हैं, भाई लोग हैं, कन्याएं हैं, कुमार हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनकी बुद्धि उल्टी ज्यादा चलती है कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी ज्यादा बुद्धि उल्टी चलती है। जो अनपढ़ है, जो अनपढ़ है उनकी बुद्धि खराब रास्ते में ज्यादा नहीं चलती। तुम्हें जितना मालूम है उतना ही सुनाओ ना। तुम्हें जितनी सच्चाई का पता है उतना तो सुना सकते हो। कोई जरूरी है गीता भागवत रामायण जिनको बाबा ने कहा ये झूठे हैं? और झूठे झूठे शास्त्रों का ज्ञान सुनाना जरूरी है। उन शास्त्रों में जितना मैंने सुनाया है वो सच्चा है। मैं कार सुनाता हूँ तो भगवान की सुनी हुई बातें सुनाओ ना। उस लफड़े में क्यों पड़ते हो? और अपने अंदर कमजोरी में नहीं आना चाहिए कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है। जिस पढ़ाई की तुम बात कर रही हो भगवान ने उस पढ़ाई को डॉगली पढ़ाई बोला, कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई बताई या देवता बनाने वाली पढ़ाई बताई? जिस पढ़ाई की तुम बात कर रही हो कि हम तो पढ़े लिखे नहीं। जिस पढ़ाई की तुम बात कर रही हो कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो वो पढ़ाई को भगवान ने क्या कहा? कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई बताई या उसको देवता बनने वाली पढ़ाई बताई? वो तो डावली पढ़ाई बता दी। तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें शिकायत करनी चाहिए? अभी नहीं बोलना है कभी ऐसे काम पढ़े लिखे नहीं है। क्या है कि कोई बात जैसे बाबा को लिख के नहीं दे सकते वो समय नहीं लिख के दे सकते। पढ़ना लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। वो समय हिंदी हिंदी जो है इतनी सहज भाषा है कि अगर कोई 2 महीने भी प्रैक्टिस करे तो लिखना और पढ़ना दोनों सीख सकता है। ये पढ़ना पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता है। लिखना पढ़ने का मतलब है तो दुनिया भी जो किताबें पढ़ते हैं लोग, अखबार पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो पढ़ाई। बाबा कभी हमारे पास साल आता है वहाँ कहाँ है? सवाई माधोपुर जहाँ जहाँ गीता पाठ शालाए हैं बाबा ने तो बोला है गीता पाठशाला का माहौल ऐसा बनाओ जैसे मधुबन। मिनी मधुबन बना लेंगे तो बाप दादा आ लेंगे। क्या अभी जा रही हो ना मधुबन? तो वहाँ देखना जाके कि वहाँ कैसा माहौल है। दुनिया भी परंदा पर मार सकता है कि नहीं देखो जाके। तो ऐसा आपने घर गृहस्थ का वातावरण बना, ऐसी गीता पाठशाला बना के दिखाओ। तो गीता पाठशाला में गीतापति भगवान का ही नहीं आवेगा है? गीता मंदिर यादगार किसकी है? जो गीता मंदिर गांव गांव में शहर शहर में बने हुए हैं वो किस बात की यादगार?
गीता पाठशाला यादगारी है कि गीता पाठशाला है भगवान ने आके कभी खोली थी, गीता का ज्ञान दिया था भगवान ही, अगर आकर के ना पढ़ाए तो गीता पाठशाला नाम क्यों पड़ा? ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शास्त्रों में नाम नहीं है, क्या नाम है? गीता पाठशाला नाम है। हाँ जी बाबा यहाँ तो खूब करे पर बीच बीच में माया बदल करती कर बच्ची होती थी बच्ची मिली बाबा अब जा रहे बच्ची तो अभी बाप के बच्चे ही नहीं बने हैं तो कम्प्लेन क्यों कर रहे बाप के घर में जाके पैदा हो नीचे बुद्धि बनो मुझे माया। अरे अब जब आत्मा पुराना घर छोड़ के पुराना परिवार छोड़ करके शरीर छोड़ करके नए घर में जन्म लेती तब कितनी मुश्किल होती है तो पता है 63 जन्मों में 63 चोले लिए तब कितनी कर परेशानी हुई, उससे ज्यादा मुश्किल से आए क्या? बात नौ महीने पकना पड़ता है, अंदर ही अंदर पड़े हुए हैं जेल की तरह, जेल फिर भी अच्छी और नौ महीने पेट में पड़े रहते हो कितना मुश्किल होती है, ट्राई ट्राई करते हैं हाँ हमें निकालो कमजोरी है भक्ति करने के बाद माया पकड़ रही है, माया पकड़ रही है कि हमारी मन बुद्धि पकड़ती है माया बाबा जिस तरह से ये बाबा गुजर रहे हैं गुजर के आए पिछले समय से तो वैसे अक्षर देव भी क्या उसी तरह से बाप की तरह ही गुजरे थे, उनके साथ भी ऐसे समय गुजरे ना कि जो बाप के साथ बीते थे उनके साथ भी बीते अर्थदेव की बात है, 108 की बात नहीं है। हाँ, 108 तो ग्रुप का होगा ही, 1008 की बात नहीं है। बड़ा का होना अति दुख का होना, जितना बड़ा नंबर होगा माला में दुख नहीं, उतनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। लागू होता है जो यहाँ शूटिंग होगी वैसे वहाँ से आप ब्राक में चले जाए चिंतन करते याद होनी चाहिए या मनन चिंतन मंथन होना चाहिए, एक होती है सेकंड क्लास यार और एक होती है फर्स्ट क्लास यार। तो जो फर्स्ट क्लास यार है उसमें बाप और दूसरा न कोई, बाप माना सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु और साकार प्रजापिता, साकार और निराकार का मेल, बाकी कुछ याद ना है। फिर हम ये जो कहते हैं युवा अगर बुद्धि में मंथन चल रहा है ज्ञान का, नई दुनिया की प्लानिंग चल रही है, सर्विस के समाचार बुद्धि में चल रहे हैं, सर्विस की प्लानिंग चल रही है तो वो है सेकंड क्लास यार, फर्स्ट क्लास याद नहीं है। उसमें औरों की भी याद आती है, बीच बीच में बाबा भी याद आता है, बाबा की बातें भी याद आती है, बाबा की सेवा भी याद आती है, जो बनाने वाला आया हुआ है वो मन चलाता है क्या? जो सुप्रीम सोल नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है वो स्वस्थिति में रहने वाला है या मनन चिंतन मंथन करने वाला है?
वो कई स्थिति में रहने वाला है, कोई मनन चिंतन मंथन करने की उसको दरकार है? उसको सोचने करने की दरकार है या सोचता है? हम भगवान की बात कर रहे हैं, वो तो सुनो सोचते हैं। भगवान जो इस शक्ति पर स्वर्ग बनाने आया है वो किसी स्थिति में रहता है? स्थिति में रहता है, मनन चिंतन मंथन करने की स्थिति में रहता है, सोचता विचारता है वो, उसको सोच विचार करने की दरकार है? नहीं, वो सोचता है, वो मन का उपयोग नहीं करता, अमन है वो, खुद अमन है तो अमन चैन की दुनिया स्थापन करता है। और मनुष्य, मनुष्य को तो मन होता है तभी तो मनुष्य कहे जाते हैं, तो मन का दुरुपयोग करते हैं, उल्टा पलटा मन चलाएंगे, उल्टे पलटे संकल्प चलाएंगे तो नरक बनेगा, वो कभी अच्छे संकल्प चलाएंगे कभी बुरे संकल्प चलाएंगे तो अच्छा बुरा कटता रहेगा। इसलिए मनुष्यों को मन चलाना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य कई जन्मों से आदि है मन चलाने का, मन को चंचल करने का आदि हो गया। मनुष्य ये चाहे कि हम तुरंत मन को चलाना बंद कर दें, हो नहीं सके। इसलिए रास्ता बताया कि ईश्वरीय सेवा के विचारों में लगे रहो, ईश्वरीय सेवा करते रहोगे तो बाबा खूब याद आएगा, क्योंकि बुद्धि में आएगा कि हम ईश्वर का काम कर रहे हैं, वो करना जरूरी है, वो एक सीढ़ी है मनुष्यों के लिए मनन चिंतन मंथन। चाहे नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन करे, चाहे ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करे, और चाहे सेवा की बातों का मनन चिंतन मंथन करे, ये सीढ़ी मनन चिंतन मंथन करने की नहीं चढ़ेंगे तो ऊपर वाली सीढ़ी अब भी बिचारी याद की वहां पहुंचेंगे नहीं। और अब भी बिचारी याद तक नहीं पहुंचेंगे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो पाप भस्म होंगे। पाप भस्म कब होंगे? एक की याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, और एक की याद में दूसरों के बीच में याद आती रहेगी तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद में बीच में जैसे हम किसी को शुभ भावना रखें, हाँ, शुभ भावना रख करके उनको अगर शक्ति देते रहे, उनको श्रेष्ठ वाइब्रेशन देते रहे, श्रेष्ठ विचार देते रहे, ज्ञान की बातें सुनाने की कोशिश करें, तो वो सब शुभ संकल्प जो है उसमें रमण करना वो हमको ऊंचा उठाएगा। गीता पाठशाला नहीं हो वहाँ अकेले में क्लास की जा सकती है? यहाँ गीता पाठशाला नहीं है तो पांडव भवन बोल लो, पांडवों को आने दो। जहाँ पांडव नहीं है माताएं ही माताएं हैं, कोई युगल है ही नहीं या युगल ने भक्ति नहीं की है तो शक्ति भवन बोल दो। जैसे मैं जैसलमेर में भी बहुत हुआ है, जैसलमेर में रहता हूँ, वहाँ कोई गीता पाठशाला नहीं है, तो कभी कभी हम वहाँ ब्रह्म कुमारी को आश्रम गीता पाठशाला में चले जाते हैं, तो बुराई तो नहीं है। आप वहाँ उनसे पढ़ाई पढ़ने के लिए चले जाते हैं? नहीं, मुरली सुनने के लिए। मुरली के लिए जिस मुरली में बताया है कि कागज की मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं वो है थर्ड क्लास मुरली। चलो तो कागज की मुरली पढ़ते हैं या कागज की मुरली किसी से सुनते हैं तो है थर्ड क्लास, और टैप रिकॉर्डर में सुनते हैं तो है सेकंड क्लास। टीवी में अगर देखते हैं बाबा सुना रहे हैं और हम बच्चे सुन रहे हैं वो है गुड सेकंड क्लास, और बाप डायरेक्ट सुना रहा है तो है फर्स्ट क्लास। तो कौन सी चाहिए? जब आपको घर में सेकंड क्लास गुड सेकंड क्लास मार मिल रहा है तो आप ब्रह्म कुमारी के पास क्यों नहीं जाते? एक छोटा टेप रिकॉर्डर वो आता है, वीडियो छोटा सा फिलिप्स का आता है छोटा सा वीडियो,
डीवीडी भी आता है, उसमें एक एक लगा दो वीसीडी या डीवीडी, एक एक में तीन तीन चार चार वीसीडी भर जाती है, और कहीं भी बैठ करके किसी को सुनाने लगो। देखो बाबा की ये वाणी है, वो तो चलाते हैं संडे को वहाँ पर हम जाने के लिए मना क्यों करें? बाबा कहते हैं कोई मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, उसको भक्ति करने के लिए क्यों मना करना? कभी मुस्लिम बोला है भक्ति करने के लिए मना करो? ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप। ज्ञान कहता है सत्संग होना चाहिए, सच्चों का संग होना चाहिए। अब सच्चों सच्चों को बाप सिलेक्ट कर रहा है, संक्षत्य से सिलेक्ट कर रहा है, चुन रहा है, जो चुने उनमें से फिर चुना हुआ 47-48 वो चुना हुआ में से फिर माउंट आबू में चुना हो रहा है, अर्थक के बाद फिर चुना हुआ, क्षेत्र के बाद फिर एडवांस पार्टी में चुना हो रहा है, और एडवांस पार्टी में अब सबको पता लग गया यहाँ सब धर्म के मौजूद है, अब फिर चुना हो रहा है। चुनते 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 आंख निकल पड़ेंगे। तो हमें सत्संग मिलेगा, प्रैक्टिस करने से ही होगा कि अपने आप हो जाएगा, और हम पुरानी जगह ही पड़े रहे तो कुछ नहीं लगता रहेगा। एडवांस ज्ञान अगर बुद्धि में पूरा नहीं बैठा है तो कुसंग लेते रहेंगे। पूरा एडवांस ज्ञान बुद्धि में बैठ गया तो हम आठ की तरफ भागेंगे, क्या 108 की तरफ भी नहीं, 1008 की तरफ भी नहीं, 16000 की तरफ भी नहीं, हजारों की तादाद में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी आश्रम खोले हुए हैं वहां भी नहीं। और उन आठ से परे है एक, उसके नजदीक पहुंचना है, क्योंकि वो एक तो अंत तक गुप्त पार्ट बजाएगा, छुपा रुस्तम बाद में खुले। कोई कह गया है एक तो हमें मिल गया, एक मिल तो गया लेकिन अंदर है, अंदर अंदर कभी अनिश्चय की बात तो नहीं पैदा होती है। अगर थोड़ा भी अनिश्चय आता है तो मिल गया या खो गया? खो गया। बाबा स्वस्थ के लिए हाँ क्या स्वस्थ कैसे सौ माने क्या सौ माने क्या सौ माने क्या स्वयं स्वयं माने क्या? अरे पूछ ले रहे हैं आप क्यों बता रहे हैं? समझ रहे तो सब माने स्वयं, स्वयं माने क्या ना आत्मा क्या होती है? आत्मा आत्मा क्या होती है? बलम ज्योति बिंदु। तो बस सुबह से शाम तक ज्योति बिंदु को याद करते रहो, कहाँ होती है? प्रकृति में। कुछ करने की दरकार नहीं, बार बार इधर का संकल्प उधर का संकल्प वो अच्छा संकल्प बुरा संकल्प और सब हटाते चले जाओ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं स्टार। फिर देखो कितनी जल्दी आगे बढ़ते। हाँ बाबा, एक माता है बहुत बुद्धि है, वो भर्ती करना चाहते हैं, वो पूछ रही बाबा जी से, पूछना कि मैं खाना पीना नहीं बना सकती तो मैं भर्ती करके आऊँ तो खाने पीने का कोई उपाय? जो भर्ती करने पहुंच सकता है, हाथ पांव थोड़े चलाने पड़ेंगे भर्ती करने जाने के लिए,
वो कुकर उठा के नहीं कह सकता। हाँ दाल चावल आलू सबसे अच्छा भोजन क्या बताया मुझे? दाल चावल आलू तीन बर्तन में, तीनों कुकर में रख दो, एक कुकर में तीनों बर्तन रख दो और उठा के यूँ रखना ही तो है, नहीं बना सकता। इसी कारण में ना वो इसी कारण क्या भर्ती करने नहीं जा रही। हम पूछ रहे हैं जो भर्ती करने जा सकता है वो तो सही है, वो कुकर उठा करके नहीं कर सकता है, सकता है। फिर क्या बात? उपाय बता देना, उपाय बता देना। इतना अच्छा साधन निकला है ना, लेकिन क्या लेते उपयोग करना ही नहीं। बाबा एक वार्तालाप में बताया हाँ। एक सेकंड में अनेक जन्मों की सजा की अनुभूति है। ओके तो कैसे एक सेकंड में है? एक सेकंड में एक बात बताओ, कभी कभी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं कि समय बहुत लंबा दिखाई पड़ता है, आते हैं या नहीं? जब ज्यादा गहरा दुख पड़ता है तो टाइम लंबा मालूम पड़ता है, और जब सुख के दिन होते हैं तो टाइम चुटकी चुटकी में फटाक से निकल जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ चला। जीत भी बनाया हुआ है समय की जल्दी जल्दी भी, सुख में तू परवर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी भी। तुम्हें धनराज सजाओं का अनुभव नहीं हो पा रहा? बाबा हरधर्म की स्थापना करने के लिए जाते हैं क्या पार्वती जी उनके साथ? मतलब हरधर्म बाबा हरधर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं? हरधर्म की राजा की स्थापना बाबा देव बाबा प्रजापिता। हाँ प्रजापिता जो है वो सात धर्म वालों का पिता है, हर मनुष्य शक्ति के हर प्रकार की जाति के मनुष्य शक्ति का पिता है, तो उसके अंदर ये संस्कार है क्या कि वो दैवी शक्ति का भी सबसे जाति प्राप्ति करता है और उसके अनुसार उसके 63 जन्मों का भी हिसाब किताब सबसे जाति पुरुषार्थ का बनकर है। तो बहुत पार्वती जी उनके साथ हरदर मिल जाए जन्म लेगी क्या? नहीं, और धर्मों से कनेक्शन घरवाली का नहीं होता है, घरवाली घर संभालेगी या बाहर संभालेगी? बाबा पार्वती मतलब 84 जन्म में स्त्री तोले में रहेगी या पुरुष भी बनेगी? एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का मिलता है तो भूल गए? पार्वती वाली आत्मा 21 जन्म लेने के बाद जब द्वापर शुरू होगा तो एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष का नहीं लगी, स्त्री का जन्म लेगी तो भ्रष्ट इंद्रियों से भिखारी बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी ना, जब भिखारी बनेगी तो उसको फिर पुरुष तन याद नहीं आएगा, जब सारे जीवन पुरुष तन याद आएगा तो अंत समय क्या याद आएगा? पुरुष याद आएगा तो पाए किसका चूल्हा मिलेगा अंत मते? तो कहते तो पुरुष का चूल्हा नहीं मिलेगा। अरे कमाल की बात, माने प्रजापिता भ्रष्ट इंद्रियों से भिखारी नहीं बनता कभी, तो बनता है तो वो ये हो सकता है कि कोई में पुरुष वृत्ति के संस्कार ज्यादा हो और कोई में स्त्री वृत्ति के संस्कार, कोई आत्मा ऐसी है जो पक्का पुरुष है, जैसे बाबा कहते हैं एक है पुरुष और बाकी सब है सीताएं, एक है राम और बाकी सब सीताएं, तो और जो आत्मा है उनमें स्त्री पने के संस्कार जाति भरे हुए और प्रजापिता में स्त्री के संस्कार बहुत नहीं है, है तो, लेकिन और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए ये हो सकता है कि 63 जन्म में से 42 जन्म प्रजापिता के पुरुष के मिले और 21 जन्म स्त्री के मिले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म समान योनि में मिल सकते हैं,
दो जन्म लगातार कोई पुरुष बन सकता है या दो जन्म लगातार कोई स्त्री बन सकता है, इससे इससे जाति गुंजाइश होती है। चौरासी लाख योनियों में जन्म लेने पर है, चौरासी लाख योनियों में जन्म लेने पर है, तो तुम्हें बताती नहीं हो कि बैंगन का जो बीज है वो आम का बन जाता है क्या? ना माने वो भले माने या न माने, तुम्हारा काम है कि तुम तो पक्का अपनी बुद्धि में निश्चय करो कि मनुष्य का जन्म मनुष्यों में ही होता है। हाँ, मनुष्य जो है वो 84 लाख योनियों के संस्कार धारण कर सकता है। जैसे कोई मनुष्य ऐसे भिखारी बन जाए, जैसे सुअर कीचड़ में पड़ा ही रहता है, सुअर बनता है मनुष्य, या सुअर जैसा स्वभाव संस्कार बन जाता है, स्वभाव संस्कार बन सकता है। हाँ जी, और बाबा को देखने से और बाबा को बाबा से बात करने से अगर कोई के प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है क्या? पूर्व जन्म का ये हिसाब किताब है कि पूर्व जन्म में भी बाबा के बच्चे बन के रहे, इसलिए बाबा को देखने से, बाबा से बात करने से और दुनिया सारी भूल जाती। हाँ जी, बाबा की बात और मोदी पिता के आपने अंत मध्य बच्चे वाली बात बताई। हाँ जी, तो हम बाप और दादा दोनों को पुरुष के रूप में याद करते हैं, हम आत्मा इस समय जो याद करेंगे सब में पुरुष प्रधान संस्कार नहीं आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? अगर बाप को ही याद करेंगे और माया रूपिणी को नहीं याद करेंगे तो फिर बात करते तो बाप ही याद आएगा ना। ठीक है ना, तो फिर वो सब आत्माएं पुरुष ही बनेंगी क्या? सब आत्माएं, तो सब आत्माओं में एक जैसे संस्कार थोड़े होते हैं, सब आत्माएं जो है वो एक ही जैसे संस्कार किए क्या? तो उसका डिफरेंशिएट सब आत्माएं जो है वो सारी आत्माएं 63 जन्म में क्या बाप को याद करती रही है, रामारी आत्मा को याद करती रही है और कोई दूसरे धर्म वालों के साथ है या दूसरे मायावी स्त्रियों के साथ उनका संबंध संपर्क नहीं टूटा है? वो संस्कार जोर मारे। हाँ, तो वो जोर मारेगा। निश्चय बुद्धि हो जाएगी बाबा, जोर मारेगा ही। बुद्धि भी किस आधार पर हो जाएगी? बनी बनाई बन रही अब तक बनी ना, 63 जन्म में जिनका जिनके साथ सबका जोड़ी जुड़ा है वो ही इस समय जुड़ेगा, आखिरी में पुरुष जन्म मिल जाए बाबा का साकार स्वरूप ज्यादा याद रहे। अच्छा है, बाबा बाबा के साथ में मम्मा को याद नहीं करना चाहिए क्या? ब्रह्मा को याद करने के लिए मुरली ने बोला, मम्मा को मम्मा ब्रह्मा नहीं है,
मम्मा में ब्रह्मा की सोल नहीं प्रवेश करती। मम्मा बाबा तो है नहीं, जगदम्बा को ही याद करती। जगदम्बा में ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं करती है। छोटी मम्मी को याद करें। अरे कोई भी मम्मी को याद करो, स्त्री चोला है या पुरुष चोला है, जैसे रजिस्टर में लिखते हैं ना मम्मा बाबा। रजिस्टर में लिखना बात अलग है, वो तो एक भावना है कि हम मम्मा बाबा को साथ में रख करके क्लास रख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में है तो नहीं ना। देखो कोई में मम्मा के गुण आएंगे जो मम्मा को याद करेंगे, कोई में ब्रह्मा के गुण आएंगे जो ब्रह्मा को याद करें। ब्रह्मा कुमारी बेसिक में क्या उतारा, किसको याद किया जाता था? तो बेसिक में भी ब्रह्मा को याद किया और एडवांस में आकर के भी अम्मा को याद करेंगे तो प्राप्ति क्या होगी, कहाँ जाएंगे? एक को याद करना है या दो को याद करना है? ज्योत बिंदु को याद करने के लिए बोला ही नहीं, बिंदु को याद करने के लिए बोला ही नहीं, न बिंदु को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकारी को याद करना है। आकारी होते हैं भूत प्रेत, उनकी मान्यता विदेशियों में होती है। विदेशी लोग फरिश्ताओं को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते, नहीं मानते। तो न तो विदेशी बनना है, न साकारी याद करके देवानी बनना है, क्योंकि जो राक्षस बनेंगे, अभी राक्षस की चेहरे भी तो बन रहे हैं, जो राक्षस बनेंगे वो रावण को राम की आत्मा याद आती थी या राम का चेहरा मोरा सारा शरीर याद आता था? रावण को दुश्मन के रूप में कौन याद आता था? राम का शरीर याद आता था या उसकी आत्मा याद आती थी? शरीर याद आता था, क्योंकि राम रावण भी तो बनता है, तो अकेले शरीर को क्यों याद करना, उसमें सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को भी याद करना है। साकार में निराकार को याद करना, मुरली में तो कहीं बोला ही नहीं कि मम्मा को याद करना, अम्मा को याद करना, रिगार्ड देना है। जब ब्रह्मा का ही फोटो नहीं रखना है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी माता का पाठ बजाया, तो जो महाकाली बनने वाली उसका उसको याद क्यों करना? अगर महाकाली जो बनने वाली है उसके स्वरूप को याद करेंगे तो हम भी उसकी क्या बन जाएंगे, भुजा बन जाएंगे। महाकाली भुजा बनना है। बाबा ने लक्ष्य क्या दिया, नारी से लक्ष्मी बनना है या महाकाली बनना है? तो जैसे वो याद करें वैसे तो बनेंगे। लक्ष्मी के गुण तो हम जाएंगे, लक्ष्मी को याद करने के लिए बोला है नारायण, लक्ष्मी में किसको याद करती है? तो फिर हम किसको याद करें? लक्ष्मी जो है वो नारायण को याद करके लक्ष्मी बनती है, और हम लक्ष्मी को याद करना शुरू करते, वो तो ऐसे ही बात हो गई जैसे हनुमान के भक्त होते हैं वो किसको याद करते हैं? हनुमान। और हनुमान ने किसको याद किया? राम को याद किया। राम किसको याद करते हैं? शंकर जी की मूर्ति बनाई उनको याद किया, और शंकर जी ने किसको याद किया? शिव को याद किया। हम कहां लटके रहेंगे? नारायणी दशा इसलिए कहा गया है कि नारायण जो है उसका काम तब तक नहीं बनेगा जब तक नारायणी उसकी सहयोगी न बने, और जब नारायणी सहयोगी बन जाएगी उस समय उसको जितना नशा करेगा उतना पुरुषार्थी जीवन में कभी भी सही हो कहीं कभी भी नशा नहीं चढ़ा होगा।
फोटो की तो फोटो तो जड़ होता है, फोटो जड़ होता है या फोटो चैतन्य होता है? चैतन्य को याद करना फायदा है, आवाहन करना फायदा है या जड़ को आवाहन करना है? विजय वाला को आह्वान करना है तो क्या जड़ वाहना की बात है क्या? बाबा ये तो मन बुद्धि से साथ रहेंगे ना, है प्रैक्टिकल में थोड़ी नारायण साथ रहेगी, मन बुद्धि से एक दूसरे के साथ होंगे ना बाबा? हम आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है। तो आत्मा को आत्मा की याद करना है, मैं देह की याद करना है? देहमानी देह को खींचेंगे, देहमानी देह को खींचेंगे और आत्माभिमानी आत्मा को खींचेंगे। देह विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, तो किससे खींचना चाहिए? आत्मा को खींचेंगे माने ज्ञानी आत्मा है और देह को खींचेंगे माने अज्ञानी असुर है या देवता है? असुर है। इसलिए लक्ष्मी नारायण को आराम से सामने मुंह किए हुए दिखाया चित्र, और राधा कृष्ण को राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, भले शेष इंद्रियों को देख रहे हैं लेकिन फिर भी देख रहे हैं। वहां से भक्ति कला शुरू हो जाती है। और तो बाबा एक मुस्लिम बोला के अब रोड से माउंट आबू से अब रोड तक लाइन लगेगी। हाँ तो आत्म की स्थिति वालों की लाइन लगेगी, वो नहीं थकेंगे या जो देवान में होंगे वो नहीं थकेंगे? नहीं मम्मी साथ नहीं होगी क्या जरा अब मम्मी मम्मी आप बोल रहे हैं, मम्मी माने मुर्दा मम्मी का आवाहन करो, ये तो बोला ही नहीं है, ये कहा विजय माला का आवाहन करो। विजय माला का आवाहन तो तभी होगा जब विजय माला की है जो रानियों की जो मक्खियों की रानी है उसको बुलाएंगे तो माला अपने आप की छोटी मम्मी छोटी मम्मी की तो बात छोटी मम्मी को भी मम्मी क्यों बना देते हो? मम्मी 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 कह के मम्मी ही हो गई। विजय माला की हेड बोलो, मम्मी कहते हैं मुर्दे को मत बोलना। तो अभी मोदी में आया कि दिन रात लाइन लगी रहेगी माउंट आबू से लग गया वो आनी आनी रात में भी बाबा भक्तों की भीड़ नहीं लगेगी, बच्चों की भीड़ नहीं, पूरे 500-700 करोड़ आएंगे, भक्तों की भी भीड़ लगेगी जैसी जमीन खरीदना शुरू कर दी क्या? विचार विचार बनाते बुराई कर दो तो विचार को तुरंत। जहाँ बेसिक में इतनी तपस्या हुई है तो एडवांस में तपस्या नहीं होगी? बेसिक वालों से एडवांस वाले आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे? और आगे जाने चाहिए, बल्कि एडवांस वालों को तो और फायदा। किस हिसाब से दुनिया सोचती है हम अपना धन कहाँ डालें? बैंक में डालना है तो बैंक का फेल होने वाली है, बीमा कंपनी में डालना है तो बाबा कहते हैं बीमा कंपनी भी फेल हो जाएगी, किसी साहूकार को दे तो आजकल सब झूठे होते जा रहे हैं, सोना खरीद के रखे सोने का पता ही नहीं चलता कब सस्ता हो जाए और कब बहुत महंगा हो जाता, वो भी चोरी चकोरी में चले जाए, अब वो भी चोरी चकोरी में चले जाए, जमीन में गाड़ के रखे तो जमीन हिल रही है रोज, पता नहीं यहाँ तक कहाँ चला जाएगा, रोज आगजनी हो रही है तो करे क्या, कहाँ ले जाए? बाबा बताते हैं
कि सबसे बड़ा तीर्थ है दुनिया का, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? माउंट आबू। आबू अब्बा का घर तुम बच्चे परम धाम को इस धरती पर उतार लेंगे, तो परम धाम किसका घर है? बाप का घर। और इस धरती पर बाप का घर कौन सा है? माउंट आबू। तो जब है ही बाप का घर तो कहेगी है अपनी सारी धन संपत्ति उड़ेल ले, उड़ेल वही उड़ेल है। लेकिन आँख खोल के ऐसा नौ पर दिन बना कर बेवकूफ बना देगा कहाँ जाएगा मालूम नहीं बाबा बेटा। सोमनाथ मंदिर वाले भगत जो पुजारी थे ना मोहम्मद गनी ने हमला किया तो उन्होंने भी कहा अरे सोमनाथ जी बैठे हुए कोई चिंता की बात नहीं। फिर क्या हुआ? बाप कहते हैं बुद्धिमान बाप के बच्चे भी बुद्धिमान बंधु होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। फिर बच्चे करेंगे बच्चे पाएंगे, बाप तो रास्ता बताते हैं। करण हार है तो वो तो ब्रह्मा के रूप में बता दिया, ब्रह्मा ने जैसे कर्म करके दिखाए वैसे कर्म करो, दादा लेखराज के द्वारा जैसे कर्म हुए। करावन हार है तो आप करावन हार करा रहा है, फिर ये क्यों कहते बाबा बैठा हुआ है? बाबा कहते करावन हार का पास है, बच्चे कहते बाबा बैठा हुआ करने के लिए करावन आ रहे, तो बच्चों को करे करना है ना। ब्रह्मा ने तो करके दिखाया, बच्चे करें या ना करें, बच्चों को देखा ही नहीं कभी कि अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। बाप तो देखता है बच्चों को, बाप का तो ड्यूटी है। बाप देखता नहीं है, वो कहता है कि मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो, प्रैक्टिकल में करो। हाँ, अब बच्चे अगर करते हैं उल्टा पलटा तो बाप को परवाह नहीं है। जैसा करोगे वैसा बोलो। कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई उठ भी नहीं रहा, कोई जा भी नहीं रहा। जमुनापुरी जमुनापुरी जयपुर है, मुरलीपुरा में कितनी गीता पार्सल है? मुरलीपुरा में भी जमुनापुरी